नमस्कार जी, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूनिक स्टिक और इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल द कारामाजू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जो 30 नवंबर की जो करंट अफेयर है उसके बारे में। तो दोस्तों, 30 नवंबर की जो करंट अफेयर, उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किन्हें एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है प्रदीप सिंह खरोला को। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक कैडर अधिकारी श्री खरोला राजू बंसल की जगह होंगे, जो अंतिम सीएमडी के तौर पर पिछले 3 महीने से अधिक समय से सेवा कर रहे हैं। तो जो अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन से देश ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधक केंद्र यानी कि एनसीएमसी स्थापित करने में भारत की सहायता करने के लिए सहमत हुए हैं? तो दोस्तों, वो देश है रशिया यानी कि रूस। रूस ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधक केंद्र स्थापित करने में भारत की सहायता करने के लिए सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि रूस के EMRCM भारत में राष्ट्रीय संकट प्रबंधक केंद्र यानी कि NCMC की स्थापना में भारत के साथ सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किन्हें नेशनल एंटी पराफायरिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, उनका नाम है BN शर्मा। श्री BN शर्मा राजस्थान कैडर से संबंधित 1985 बैच के IAS अधिकारी वर्तमान में वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात हैं। GST के तहत राष्ट्रीय एंटी प्रोफाइलिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्य के पदों के निर्माण के लिए पिछले हफ्ते कैबिनेट की मंजूरी के तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई में सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री BN शर्मा को भारत सरकार के सचिव के रैंक में इस शीर्ष प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वो है कौन से बैंक ने 2018 से 2022 के दौरान वार्षिक आधार पर अपने वर्तमान वर्ष यानी कि 2017 का जो वर्ष है, 2.7 अरब डॉलर से 4 अरब डॉलर के लिए अपने ऋण को बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, उस बैंक का नाम है ADB यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक अगले साल से मौजूदा 2.7 अरब डॉलर से 4 अरब डॉलर ऋण देगा। 2018 से 22 के दौरान गैर सार्वभौमिक या निजी कर्ज सहित वार्षिक आधार पर 4 अरब डॉलर तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसमें वार्षिक सार्वभौमिक धन 2 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर तक बढ़ेगा, जबकि निजी क्षेत्र के वित्त पोषक को दोगुनी होकर 1 अरब डॉलर का कर दिया जाएगा, जो कि कुल मिलाकर 4 डॉलर होगा, 4 अरब डॉलर। 27 नवंबर 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत के पहले मोबाइल भुगतान को क्या नाम दिया है? दोस्तों, उस बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। यह एक नई भुगतान बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक को औपचारिक रूप से नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के हाथों लॉन्च किया गया है। यह भारत का पहला बैंक होगा जो शून्य बैलेंस खातों और शून्य डिजिटल ट्रांजेक्शन देगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किन्हें पहली महिला लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव को लोकसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह लोकसभा की पहली महिला सचिव जनरल होगी और उनकी ज्वाइनिंग 1 दिसंबर को प्रभारी ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2018 को खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2017 में मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो उनका नाम है डेली ले नेल पीटरसन।
दक्षिण अफ्रीका की डेली ले नेल पीटरसन मिस यूनिवर्स 2017 बनी है। भारत की ओर से वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने यह किताब अपने नाम किया था। फ्रांस की आयरिस स्मिथ नेनेरे ने अपने अपने उत्तराधिकारी डेली ले नेल पीटरसन को यह ताज पहनाया। तो दोस्तों ये थे 30 नवंबर की जो करंट अफेयर है उसके क्वेश्चन थे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर डेली करंट अफेयर वीडियोस। धन्यवाद दोस्तों।